बारिश में कभी कोई सड़क बनती है? ये बरसात में बना रही है, देखो ना साहब आपके सामने, देखो बरसात में बनी हुई है। गलत कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं जी। ये तो इसमें किसी वीआईपी ने नहीं आना, किसी ने कुछ नहीं आना जी। हरियाणा में विकास पागल हो गया है, ये हम नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है कि जिस वीडियो को ट्वीट करके शासन प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, टिप्पणियां की जा रही हैं, वो वीडियो हमारे प्रदेश की ही है। जी हाँ, जमकर वायरल हो रही वीडियो करनाल की है, जो पिछले 9.5 सालों से सीएम सिटी है, पहले मनोहर लाल के नाम और अब नायब सिंह सैनी की। दरअसल हरियाणा में मॉनसून की शुरुआत 2-3 दिन पहले ही हुई है। ऐसे में एक हैरान कर देने वाली वीडियो करनाल और हिसार से सामने आई है, जिसमें सरकारी विभाग का जनता के लिए एक डेडिकेटेड वर्क देखने को मिला है। मिली जानकारी के अनुसार करनाल में नमस्ते चौक से लेकर मीरा घाटी की तरफ जाने वाली सड़क काफी दिनों से टूटी पड़ी थी। इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने थे, थोड़ी सी बारिश में यहाँ पानी तक रुक जाता था। शनिवार दोपहर यहाँ बारिश हुई और अपनी कर्मठता का परिचय देते हुए विभाग ने झमाझम बारिश के बीच सड़क बनवा दी। अब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। पहले देखिए करनाल की ये वीडियो। अब ऐसा ही सेम वाक्या हिसार में भी हुआ। 16 सेकंड की ये वीडियो प्रशासन पर कई तरह के सवाल उठा रही है, देखें। आखिर इतनी भी क्या मजबूरी थी अधिकारियों और ठेकेदार की, जो बारिश के मौसम में गरम तारकोल सड़क पर बहते पानी में बिछाया जा रहा था। ऐसे कौन से वीआईपी ने इन सड़कों पर आना था? इसी सवाल का जवाब आसपास रह रहे लोग पूछ रहे हैं, सुनिए। ये बरसात में सर कैसे चलेगी सर? जब तक पानी नहीं निकलेगा तब नहीं बनाने चाहिए, जैसे ठेकेदार सड़क को बनाते हैं। अब इस देखते हुए अगर सड़क इस मॉल बनाएगी तो कैसे चल पाएगी? वो महीना भर भी नहीं चलेगी सर वो तो। हमसे तो जैसे ये सूखने के बाद ही बनानी चाहिए थी, तो ये गलत है। बारिश में बना रहे हैं, ये बरसात में बना रहे हैं, देखो ना साहब आपके सामने, देखो बरसातें बनी हुई है। गलत कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं जी। ये तो क्या लग रहा है आपके, क्यों बना रहे हैं? किसी वीआईपी आना है, किसने, किस वजह से? इसमें किसी वीआईपी ने नहीं आना, किसी ने कुछ नहीं आना जी। कम से कम बरसात के रुकने के बाद ही इन्होंने बनाना चाहिए। किसी को बन रही है कि टूट जाएगी कहेंगे बर्बाद। हाँ, ठेकेदार के मिली भगत होती है, जैसे ये कर करा के ऐसा करते हैं ये। यही कारण समझते हैं? यही कारण है जी, बाकी कोई तो यही है जी। जो कि क्यों बना रहे, कम से कम इंतजार करो, थोड़ा मौसम साफ हो उसके बाद बनाओ। बारिश में कभी कोई सड़क बनती है? जितना सामान लगाओगे वो सारा वेस्ट होगा। बर्डन किससे पड़ रहा है? बर्डन पड़ेगा ये सारा आम जनता पे, आम जनता के टैक्स का पैसा ऐसे वसूला जा रहा है तो गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इतनी तेज बारिश थी, बारिश के बीच में इन्होंने काम नहीं रोका। बिल्कुल काम नहीं रोका, अभी भी चल रहा है, देखो कितना पानी भरा है, ये सारा खराब हो चुकी है। ये जो पैसे की वेस्टेज हो रही है, आम जनता के पैसे का नुकसान हो रहा है। गलत हो रहा है ये, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। क्या समझे कि कोई वीआईपी आना था, किस वजह से, क्या दिक्कत थी? ये तो प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लेती नहीं इनके ऊपर, ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्टर को अधिकारी मौके पे होना चाहिए ना। कोई भी मौके पे नहीं है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर में अपना काम कर रहा है, वो करके चला जाएगा, बाद में फिर आम जनता को भुगतना पड़ेगा इस चीज को। इनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, जांच हो इसकी।
अगर नियमों की माने तो अत्यधिक ठंड और बारिश में तारकोल की सड़क नहीं बनाई जा सकती। इससे सड़क अपनी मजबूती खो देती है और धीरे धीरे टूटने लगती है। अब इन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई विभाग करेगा, ये देखने वाली बात रहेगी। काबिले जिक्र हो कि करनाल में सड़क बनाने का करीब 1.5 करोड़ में टेंडर हुआ है। इसके अलावा हिसार में जो बारिश में सड़क बनाई जा रही है वो सिरसा नेशनल हाईवे से जोड़ी जानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।